नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आराम से मामा, आराम से। एहतियात से तुम पीछे होके बैठो। उस गुस्से ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब मेरी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता जुड़ने से पहले खत्म हो गया उसकी वजह से। राबिया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। मामा, मैं आपके पास हूँ, आपके साथ और हमेशा रहूंगा। इब्राहिम बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी बेटा। वो कुछ सबको झूठ बोल रही थी, सब झूठ बोल रही थी वो। रिलैक्स मामा, प्लीज खुद को संभालें। आप ये सब सोचना छोड़ें। यू जस्ट नीड रेस्ट। आप आराम करें। तुम परेशान मत हो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी तबीयत संभली है, फिर से खराब हो जाएगी। मेरी इस बीमारी की वजह भी कुछ सी आई है, जो कह रही थी कि मैं बहाना कह रही हूँ। आप प्लीज मामा का ख्याल रखें। मैं अनुष्य को देखता हूँ आपकी मेडिसिन लेने के लिए। अब देखना, तो इस कुत्सिया को मैं इस घर में कभी घुसने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। श्योर, थैंक यू। राबिया बेगम से जीतने चली थी अगली। इलियास, शुक्र है कि हमारा कमरा ठंडा हो गया। रोटियां बनाते बनाते ना मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। वैसी बात भी नहीं है, इतने सालों से हर साल ऐसी तो गुजारी है तुमने गर्मियां बिना एसी के। तब तो कुछ नहीं होता था तुम्हें। वो तो दुआएं दो मेरी बहन को, जिसकी वजह से ये कमरा इतना ठंडा है। अरे क्यों दुआएं दूं तुम्हारी बहन को, सारी मेहरबानी छोटे साहब की है। तुम्हारी बहन ने तो साफ इनका क्या मतलब, क्या कह रही हो? मैं पूछ रही थी आलू गोश्त कैसा बना है। अच्छा बना है ना, जल्दी जल्दी खा लो, ठंडा हो रहा है। वो कौन आ गया? केबल वाला होगा, पैसे मांगने के लिए आया होगा। पिछले हफ्ते तो दिया तुमने। अरे वो पिछले महीने का था यार, आता हूँ। बात सुनो, उससे कहना मेरे सारे चैनल सही से सेट करके जाए। कह दूंगा भाई, जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं।
कुत्सिया मिसवा यार लियास भाई क्या हो गया कुत्सिया तुम रो क्यों रही हो सब खैरियत तो है कैसे थे तुम्हारा पहले से काफी बेहतर है आप कह रही थी हॉस्पिटल जाने की मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं नहीं होपफुली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैंने उनको मेडिसिन दे दी है और वो काफी बेहतर है और वैसे भी वो हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं होंगी लेकिन मैंने कहा ना कि वो पहले से बेहतर है मैंने मेडिसिन दे दी है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा कोई भी परेशानी की बात हो आप मुझे कॉल कर लेना ठीक है मुझे वाकई इब्राहिम से ये उम्मीद नहीं थी तो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी इब्राहिम से उम्मीद लगाकर उससे शादी करने के लिए राजी हो गई मैं ये जानते हुए भी कि उसके मामा और बहन मुझसे कितनी नफरत करती है मुझे बिल्कुल नापसंद करती है फिर भी इब्राहिम के झूठे दावों में आकर मैंने शादी की ना कर दी अपने सारे ख्वाब पीछे छोड़ दिए इब्राहिम के आसरे पर छोड़ दिए इब्राहिम की उम्मीद पर छोड़ दिए जानते हैं लियास भाई हम कहां गलती कर बैठते हैं जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं ना तो हम बाकी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर जब वही शख्स हमारी उम्मीद तोड़ देता है तो वो हमारी उम्मीद नहीं तोड़ता वो हमें तोड़ देते परेशान नहीं हो सब ठीक हो जाएगा बेटा काश तुम यूं ही मेरे सामने रहो और मैं हमेशा तुम्हें देखती रहूं लेकिन ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब उस कुत्सिया का इस घर में वापस आना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाए और मैं ऐसा मुमकिन करके दिखाऊंगी लगता है छोटे साहब रात भर यहीं सोते रहेंगे Thank you.
कुत्सिया से को एक कप कॉफी बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुत्सिया बीबी तो नहीं है। क्या मतलब नहीं? वो तो कल रात आपके सामने सूटकेस लेकर चली गई थी। आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, चाय बनाओ। जी। गम की काली रातें लेके दे मुझे उजाले, कर दिए हैं ख्वाब अपने रब के हवाले। नैना रे नैना, तुमने तो हमेशा साथ खड़े रहने का वादा किया था इब्राहिम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यूं बदल जाओगे, बीच रास्ते मेरा साथ छोड़ दोगे। कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ यार। क्या हुआ था, कौन आया था और आंटी ने तुम्हें मना क्यों किया? मेरा शक सही निकला रेहान, मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। फिर क्या हुआ? हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन अभी सारी बातें बता नहीं सकते। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आंटी ने तुम्हारे साथ तय नहीं कर दिया? मामा तो रिश्ता तय कर ही देती लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो लोग खुद ही उठकर चले गए। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन हुआ क्या था ये तो बताओ। खुद से ने मामा से बहुत बदतमीजी की उन लोगों के सामने, फिर वो लोग उठ के चले गए। खुद से भाभी ने? मगर वो तो ऐसी नहीं है, वो आंटी से कैसे बदतमीजी कर सकती है? तुम्हें और इब्राहिम भाई को ना यही लगता है कि वो बहुत सीधी सादी और अच्छी लड़की है। जैसी वो दिखती है ना वैसी वो है नहीं। खैर, इन सब के बाद मामा बीमार हो गई थी। कुत्सिया भाई के सामने कहती है कि मामा ड्रामा कर रही। अब जाहिर है इतनी बड़ी बात पे भाई को गुस्सा तो आएगा ना। भाई ने भी लगा दिया उसको एक थप्पड़। क्या थप्पड़? जी। और फिर कुत्सिया भाभी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर से चली गई। मैंने कहा था ना नेहान, जिस दिन भाई का कुत्सिया भाभी से दिल भर जाएगा वो उसे धक्के देके घर से निकालेंगे। और वैसे ही हुआ, धक्के ना सही थप्पड़ी से। लेकिन अनुषे ये भ्रम ने ठीक नहीं किया। ये बीवी में झगड़े होते रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें घर से बाहर निकाल दे। अब तुम कुत्सिया भाभी की तरफदारियां शुरू कर दो, मैं मजीद तुमसे बात नहीं कर सकती। बाय। देखो कुत्सिया की तारीफें करता है। थप्पड़, ये ब्रैड ने किया क्या है? ये कुत्सिया भी ना चैन नहीं है इसकी जिंदगी में, कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रख। बताओ सर, इब्राहिम साहब से लड़के घर आ गए, अरे कोई पूछे इससे, इतने अमीर ससुराल से भी कोई झगड़ा करता है क्या? लेकिन नहीं, ये मैडम तो अपनी नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती, वहां जाके तो इसके रंग ढंग ही बदल गए। हरे कृष्ण, तू उसकी छोड़ अपनी सोच। इब्राहिम साहब ने गुस्से में आके सारा सामान वापस मांग लिया तो क्या करेगी? तेरा खाना गर्म करने वाली मशीन, कमरा ठंडा करने वाली मशीन,
पानी ठंडा करने वाली मशीन और तो और कपड़े धोने वाली ऑटो मशीन वापस मांग ली तो तेरे नाजुक हाथ तो दोबारा बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी मुझे प्लीज एक कप चाय दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ नाश्ता ही तो बना रही हूँ। नहीं नाश्ता नहीं, मुझे बस एक कप चाय चाहिए। ऑर्डर तो ऐसे देके जा दिया जैसे ये महारानी और मैं नौकरानी। मेरा बस चले ना इसके पराठे में जहर डाल दूं, पर इसका मख पे तो वो भी असर नहीं करेगा। आज इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आ गई जो मुझे कॉल करके बुला लिया। तुम्हारी याद इस दिल से निकली ही कब थी? सॉरी मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। क्या करूं आज इस दिल को मैं रोक नहीं पाया। कुछ दिन से मेरा दिल बहुत बेचैन सा था। बहुत चाहा कि मैं तुमसे अपने दिल की बात करूं, लेकिन मैं वक्त का तायुन नहीं कर पा रहा था। कई बार फोन उठाकर रख दिया ये सोच करके कहीं तुम्हारा शौहर सामने ना हो और वो माइंड ना कर जाए। वक्त पूरा मनाए भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कर्ब जिस तकलीफ जिस अजियत से मैं इतने साल गुजरी हूं, उसके बाद उसे किसी भी इमोशन से अशफाक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उसकी मौजूदगी में तहफ्फुज़ का एहसास नहीं होता और ना ही उसकी गैर मौजूदगी में किसी के ना होने की कमी महसूस होती है। दिन से रात, रात से दिन, जिंदगी बस चलती ही जा रही है एक ऐसे रास्ते पर जिसकी कोई मंजिल नहीं और अब शायद किसी मंजिल की आरज़ू ही नहीं। हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल होती है, एक अलग बात है कि हम उस मंजिल से अनजान होते हैं। कई बार तो हमें उस मंजिल का पता होता है लेकिन फिर भी हम ऐसे रास्तों का इंतखाब करते हैं जिससे मंजिल बहुत दूर होती चली जाती है। जिसके मैंने किया, खैर तुम बताओ, खुलकर बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारे और जाहिद के बीच में। कुछ नहीं, तुम ये बताओ कब आए। मैं कल रात में ही आया हूं वापस। सोच रहा हूं कि वहां के जो मामला थे मैं किसी जिम्मेदार शख्स के सुपुर्द करूं। थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। जिंदगी के कुछ लम्हे मैं अपने लिए जीना चाहता हूं जिसमें किसी अपने का साथ हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाहिश है जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। किस्मत, वक्त और हालात इनसे कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी भी बदल सकते हैं। तो क्या तुम्हारे लिए ये किस्मत, वक्त, हालात नहीं बदल सकते, या तुम बदलना नहीं चाहते? अनाया कहाँ है?
बात बदलने का अंदाज अच्छा है तुम्हारा। अराया गई भी है नॉर्दर्न एरियाज की तरफ अपने दोस्त के साथ, मैं यहाँ था नहीं तो वो चली गई घूमने फिरने। अकेली चली गई? मैंने कहा ना कि वो अपनी दोस्त रिदा के साथ गई भी है, वहीं उसका आबाई घर भी है। उसकी फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लड़की को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बट फिर भी अशफाक, इस तरह अनाया का अकेले जाना तो मुनासिब नहीं है। नाश्ता दे दिया कुत्सिया को? नहीं करी वो नाश्ता, चाय मांगी थी दीदी महारानी को। हाँ रात भर रोती भी तो रही है बेचारी, सदमे में भूख कहाँ लगती है। चलो ठीक है, जब सदमा थोड़ा कम हो जाए तो करवा देना। ठीक है करवा दो, लेकिन ये सब कितने दिन चलेगा? क्या मतलब? ये नाश्ते रोटियों का खर्चा, भाई ये रोज रोज की खिदमतें नहीं होती, मुझसे सीधी सी बात। रात थी कि तो आई है वो, एक रात में उगता गई उससे। बात उगताने की नहीं है इलियास, एक दो दिन का मामला होना तो ठीक है, वो तो शोहर से झगड़ा करके हमारे घर आके बैठ गई है। वो लड़के नहीं आई है, उन लोगों ने कुत्सिया से झगड़ा किया और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। लड़की का ससुराल से निकल जाने का मतलब समझते हो? मोहल्ले में, खानदान में, सारी दुनिया में बदनामी। और ताई नरगिस के बारे में सोचा है तुमने? कैसी कैसी बातें बनाएंगी वो हमें रुसवा करने के लिए। सबसे ज्यादा डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं इब्राहिम साहब ने गुस्से में, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक ना सामान वापस मांग लिया तो क्या होगा। अच्छा तो ये बात है, वहां मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें अपने सामान की पड़ी है, हैं? किस कदर बेहिस औरत हो तुम, हैं? कान खोलकर सुन लो, इब्राहिम से तो बात करके रहूंगा मैं, और अगर इस दौरान तुमने कुर्सियों को जरा सा भी सदमा देने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र रहो, तुमसे बुरा इस दुनिया में कोई है भी, और तुमसे बुरा होगा क्या? ठूस लो, खुद ही ठूस लो। शादी के बाद भी चौक बन के बैठी है मेरे ऊपर, कब जान छुटेगी इससे? मामा आपने इतना अच्छा ड्रामा किया, मुझे तो लग रहा था आपकी तबीयत वाकई खराब हो गई। वैसे भाई को मनाने के लिए आपने ड्रामा बिल्कुल सही किया। वाह बेटा, तुम में और उस कुत्सिया में क्या फर्क रह गया? वो भी यही कहती थी, किसी दिन मैं वाकई में बीमार पड़ जाऊंगी तब भी तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा, तब भी यकीन नहीं करोगे तुम लोग मेरी बात। अरे मामा आप तो इमोशनल हो गई हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होगा। इब्राहिम कहाँ? बुलाओ उसे। भाई तो अपने कमरे में होंगे, लेकिन आपको पता है आपकी तबीयत देख के भाई वाकई घबरा गए और घबराहट में आके उन्होंने कुत्ते को घर से निकाल दिया। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि इब्राहिम खुद कुत्सिया को धक्के मार के इस घर से निकाले। चल धक्के मार के ना सही, निकाला तो चांद छुटी उस घटिया लड़की से। तुम इब्राहिम को बुला के लेकर आओ, आज मैं अपने बेटे को जी भर के देखना चाहती हूँ। कुत्सिया के चुंगल से आजाद होके मेरा बेटा कैसा लगता है ये देखना चाहती हूँ। जी मामा मैं बुला के लाती हूँ।
हाँ अनुश्री, मामा उठ गई हैं? तबीयत ठीक है उनके? काफी बेहतर है, आपको बुला रही हैं। मैं आता हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक। जब तक मेरा बेटा मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें देख के ही तो जीती, तुम्हें देखती हूँ तो सांस आती है बेटा। अल्लाह आपका हमेशा सलामत रखे मामा। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि एक बार मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। प्लीज इनकार मत कीजिएगा मेरे लिए। ठीक है, नहीं करूंगी। लेकिन बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। किस लिए मामा? कुत्सिया को लेकर। कल रात जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था बेटा। लेकिन अच्छा ही है, सब कुछ खुल के सामने आ गया। अच्छा ही है जो उसने खुद हम सब के सामने अपनी असलियत दिखा दी, वरना कोई भी मेरी बात पे तो यकीन नहीं करता। बेटा तुम भी नहीं करते हो मेरी बात पे। मामा प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप रेडी हो जाए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। किश्वर, क्या सोचा तूने कुत्सिया के बारे में? क्या करना है उसका? हनी अम्मा, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब भला एक आदमी के सर पे चार बंदों के खर्चे का बोझ तो नहीं डाल सकते ना। तू ऐसा कर, इलियास के कान में खर्चे वाली बात डाल, ताकि वो दो चार दिन में उसे यहाँ से चलता करे। कोशिश करके देख ली मैंने अम्मा, लेकिन तुम जानती तो मेरी सुनता कब है वो? जो दिल में आता है वही करता है। लेकिन कुछ भी हो, गलती तो कुत्सिया की है। अब भाई ठंडे दूध पे भूखे मारने वाला हिसाब हो गया ये तो। देखो जरा, इतनी सी बात पे इतना बड़ा घर छोड़ के आ गई। मुझे देखो, रात दिन इलियास घर से निकलने का कहता है। मजाल है जो तुम्हारी बेटी ने दहलीज से बाहर भी कदम निकाला हो कभी। अरे मैं तो शुरू से ही देख रही थी उसके लक्षण ऐसे थे ही नहीं घर बसाने वाले, तो ये सब तो होना ही था ना। नहीं क्या होगा, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है अम्मा। मुझे तो बस अपने सामान और खास तौर पे ठंडी मशीन की पड़ी है, कहीं इब्राहिम साहब सब कुछ वापस ना मांग लें हमसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। अरे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये हरकतें तो कमीने लोग करते हैं, वो क्यों करेगा? हाँ इंसान तो अच्छा है। इलियास गया है बात करने, दुआ करो ये दफा हो जाए इस घर से। जब तुम अपनी माँ को जानते हो तो तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? पापा, गलती मेरी नहीं थी। गलती जिसकी भी हो, जो कुछ हुआ मुझे नामंजूर है। मैं खुद आके कुत्सिया से बात करूंगा। और ये अनाया यहां क्या कर रही है? किस हैसियत से रह रही है यहां? मैंने मना किया था, लेकिन उसके लिए भी कुत्सिया ने जिद की।
उसने कहा कि मामा की ख्वाहिश है तो हमें इसलिए मामा की ख्वाहिश का भरम रखना चाहिए। अब मैं क्या करता? भरम रखने का अंजाम देख लिया ना तुमने। खैर, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इब्राहिम तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? उसने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे तुमसे, मोहब्बत के लिए, तुमसे शादी करने के लिए, वो कैसे तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल सकता है? बड़े बड़े दावे करने वाले अक्सर छोटापन दिखा देते हैं। जिन पर मान हो वो मान तोड़ देते हैं। जो आपका भरम वो सारे भरम तोड़ देते हैं। जो भी है, उसने ये बहुत गलत काम किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उससे ही कुत्सिया। मेरी तो सारी उम्मीद ही इब्राहिम थे। लेकिन कुत्सिया, इस सब में कहीं ना तुम भी कसूरवार हो। मैं? तुम्हें अनाया को घर में रखने के लिए इब्राहिम से कहने की क्या जरूरत थी? जब वो खुद ही उसे घर में रखने के लिए तैयार नहीं था, और मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, अब देख लिया तुमने इसका अंजाम। मैंने तो बहू होने का फर्ज निभाया था। आंटी को मैं ये नहीं दिखाना चाहती थी कि इब्राहिम ने मेरी वजह से अनाया को घर से निकाल दिया। लेकिन मैं इब्राहिम से जरूर बात करूंगी। नहीं रिदा, तुम इब्राहिम से बात नहीं करोगी, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि इब्राहिम के सामने मैं कमजोर दिखूं। मगर कुत्सिया, मैंने कहा ना तुम इब्राहिम से कोई बात नहीं करोगी। बस अगर तुमने इब्राहिम से बात की तो उन्हें लगेगा कि मैंने तुमसे बात करने को कहा। अरे इलियास भैया, आए बैठे। मैं लौटने नहीं आया। बड़ी कसमें खाई थी आपने। ये बड़े बड़े दावे किए थे आपने कि मेरी बहन का ख्याल रखेंगे, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, उसके मुस्तकबिल का, उसकी पढ़ाई का, उसके ख्वाबों का, हर चीज का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये क्या किया आपने? आधी रात को तनाव से घर से निकाल दिया। क्या किया था उसने? क्या कसूर था उसका? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। अपनी मर्जी से? मतलब उसका दिमाग खराब था कि आधी रात को घर छोड़कर चली जाती वो? उसे मजबूर किया था, और उन मजबूर करने वालों में आप भी शामिल थे। क्या आपने नहीं कहा था उसको जाने के लिए? हाँ कहा था, इसलिए कि उस वक्त मैं शदीद गुस्से में था, और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो इस तरह अपना घर छोड़कर चली जाए। हर मियां बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दुनिया में ऐसा कौन सा कपल है जिसमें आपस में झगड़ा नहीं होता? और हमारा तो पहली बार इस तरह झगड़ा होता। गुस्से में मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया, मैं तंग आ गया था। ये रोज रोज के गिले शिकवे शिकायतों से, कभी उसे मामा से शिकायत थी, कभी अनुजा से शिकायत थी, मैं क्या करता? नहीं था मेरे पास इसका कोई हल। कह दिया गुस्से में मैंने। ठीक है, आप अभी मेरे साथ चले, उससे माफी मांगे और मना कर ले आए। माफी उससे मांगी कि मेरी माँ से, क्योंकि उसने मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं कुत्सिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसी तरह मैं अपनी माँ से भी बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और कोई मेरी माँ पर इस तरह झूठा इल्जाम लगाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी जात पर मुझे कुछ भी कहती, मैं बर्दाश्त कर लेता। माँ की इस तरह बेइज्जती करने वाले को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए माफी उसे मांगनी होगी मेरी माँ से। और हाँ, वो अपनी मर्जी से गई थी, और जब चाहे अपनी मर्जी से वापस आ सके। मेरे घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले। यार मेरी अनुषा से बात हुई थी,
उसने मुझे बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। गलती मेरी नहीं, गलती कुत्सिया की है। उसे इस तरह मामा के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे गुस्सा आ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर सका, जो मुंह में आया कह दिया मैंने। लेकिन मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है। जो भी है यार, जाके मना ले उसे। तो ऐसे कैसे कर सकता है? जिस मोहब्बत को पाने के लिए तूने दिन रात एक कर दिए, जमीन आसमान एक कर दिए, उसे ऐसे बीच रास्ते पर छोड़ देगा तू? मैं जानता हूं, लेकिन पहल उसने की। खत्म तू कर दे। देख मेरी बात मान, जाके मना ले उसे। इलियास भाई, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कुत्सिया, मैं तो वहां तुम्हारे लिए गया था ना। मैं जानती हूँ, लेकिन वहां जाकर आपने मेरी अना को मजरूह कर दिया। मैं जिस भरम से इब्राहिम के सामने और उसकी मामा के सामने घर छोड़ के आई थी, आपने मेरा वो भरम ही तोड़ दिया। वादा करें आइंदा कभी आप वहां नहीं जाएंगे, और इब्राहिम से मेरी कोई बात नहीं करेंगे। फिर तुम क्या करोगी? हाँ, तो इस तरह अकेले सारी जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि अकेले जिंदगी ना गुजार सकूं। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, और जो साथी वक्त आने पर साथी छोड़ जाए, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ बीबी, तुम्हें फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन हमें जरूर पड़ता है। अरे रूखी सूखी खाके इतनी मुश्किल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं, तुम्हारा बोझ कहां से उठाएंगे हम? कोई जरूरत नहीं ऐसे इस तरह बात करने की। बहन है मेरी वो, और इसके खर्चे के बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? भाभी ठीक कह रही है लियास भाई, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कोई भी जॉब कर लूंगी, लेकिन आप पर बोझ नहीं बनूंगी, आप फिक्र मत करें। देखो कुत्सिया, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, पर आइंदा ऐसी बात नहीं करना। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे लियास भाई, लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ मेरा नहीं, हर लड़की का अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, ताकि वक्त आने पर उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और फिर ये तो अम्मा बाबा का ख्वाब भी था, जो मेरी शादी की वजह से अधूरा रह गया था। लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगी। सो रे मेरे हाथ।